और जैसा कि कल से बच्चे पूछ रहे थे, परसों से बच्चे पूछ रहे हैं कि रेगुलर चीज की हमारी कॉपी चेकिंग सर घर से चेक हो रही है क्या, कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई है क्या, तो आपके स्क्रीन पर एक लेटर आ गया होगा। सबसे पहले इस लेटर का जो सब्जेक्ट है वो जरा अच्छे से पढ़ लें, 3000 इवेल्युएशन सेंटर। ये जो लेटर है ये एक बार लेटर अच्छे से देख लें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां क्या होने वाला है भाई। CBSE को यह अनुमति मिल गई है कि वो अपने जगह 3000 सेंटर, जो इवेल्युएशन सेंटर है, वो बनाएंगे और जो कॉपीज चेक होने का काम है वो कल से शुरू किया जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर क्या वो सेंटर कैसे क्या। देखो बेटा, इसमें पूरा मांझला क्या है, जो भी स्कूल्स हैं वो तो बंद हैं। अब क्या कह रहा है कि 3000 इवेल्युएशन सेंटर बनाए जाएंगे, जगह जगह जो कॉपीज है हमारी उनको इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, वो सारी कॉपी जहां जहां जा सकती हैं, जिन जिन टीचर्स पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो घर से उन कॉपीज को चेक करेंगे। यानी कि कल से आपकी कॉपी चेकिंग का काम शुरू। ये तो पहली चीज है ना। दूसरी चीज, घर से कॉपी चेक होगी है ना, तो भाई जो भी टीचर्स चेक करेंगे यार, सही बच्चों को पास कर देना, भला कर देना एकदम। दूसरी चीज ये थी कि जो बच्चे कह रहे थे, कल मैंने वीडियो डाली थी उसमें मेरे कमेंट सिर्फ यही थे कि सर हमें ये बताइए कि जो हमारे क्लास 10th वालों के बच्चों के पेपर हो चुके हैं उनका रिजल्ट कब आ सकता है, क्या उनका भी अगस्त में आ सकता है। बेटा देखो, आपकी कॉपी चेकिंग होना स्टार्ट हो गई, मे भी हो सकता है इसी मंथ आपके लिए इससे रिगार्डिंग एक अपडेट आ जाए कि आपका जो पेपर है उसका रिजल्ट कब आएगा। हो सकता है आपका भी अगस्त में आए, लेकिन शायद 10th का रिजल्ट और 12th का रिजल्ट है ना, तो हो सकता है 10th का रिजल्ट थोड़ा पहले आए। तो इसका जो भी अपडेट आता है मैं जल्द बताऊंगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, है ना। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपको अपडेट देने के लिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन